उज्जैन जिले के मक्सी रोड के जयवंतपुरा गांव में स्थित डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका रेखापति शशिधर पिल्लई निपानिया इंदौर सोमवार सुबह 8 बजे से 8:30 के करीब स्कूल आते समय ग्राम धतरावदा में सड़क हादसे का शिकार हो गई। अध्यापिका खुद कार ड्राइव कर रही थी और कार पेड़ से टकराने से अध्यापिका की मौत हो गई। अध्यापिका रेखा पिल्लई को राहगीर आनंद फानन में निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद शव को जिला अस्पताल में मर्चुरी के रूप में पहुंचाया गया। आपको बता दें, मृतिका हर शनिवार को कार से खुद घर जाती थी और सोमवार को कार से ही स्कूल आती थी। इसी क्रम में सोमवार को भी वह स्कूल आ रही थी, तभी रास्ते में घटना हुई। ड्राइवर अरुण ने कहा, मैडम प्रिंसिपल के पद पे है और जो सुबह मॉर्निंग आज सोमवार को गाड़ी चला के आ रहे थे तो उनका बतावदा के पास में एक्सीडेंट हो गया। सैटरडे संडे में भी चलाते गाड़ी और बाकी दिन में चलाते हैं गाड़ी। 5 साल हो गए इंदौर रहते मैडम, देवासना का दिल्ली अपडाउन डेली अपडाउन। कहाँ पर है? दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल मैडम रेखा पिल्लई। ये मैडम इंदौर से और यहाँ पे प्रतिदिन आना जाना करती थी अपनी ड्यूटी। आज ड्यूटी से आप ड्यूटी आते समय ग्राम धतरावदा और करौंदिया के बीच में एक पेड़ से एक्सीडेंट और दुर्घटना, उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उनकी बॉडी यहाँ अस्पताल उपचार के लिए भेजा, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। धर्मनगरी उज्जैन में होने जा रही 108 अखंड रामायण के शुभारंभ के पूर्व सोमवार सुबह आज्ञा यात्रा निकाली गई। चामुंडा माता चौराहे से सुबह 11 बजे आज्ञा यात्रा निकली, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होती हुई महाकाल मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान आज्ञा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा में सभी समाज और पार्टी के जन प्रतिनिधि शामिल हुए। यात्रा शुभारंभ के पहले मंच पर साधु संतों का सम्मान किया गया। इसके पहले रविवार को समिति की ओर से माँ शिप्रा का पूजन अर्चन अभिषेक कर 140 मीटर चुनरी उड़ाई गई। कार्यक्रम संयोजक भानु भदौरिया ने बताया कि ददरवा सरकार डॉक्टर हनुमान भक्त मंडल की अगुवाई में विभिन्न स्थानों पर आयोजन किए गए हैं। आज्ञा यात्रा में बड़ी तादाद में महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर चल रही थी। 108 अखंड रामायण पाठ का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए बाबा महाकाल से आज्ञा लेने आज हम पूरा हमारी समिति, हमारे शहर के वासी, हमारी आयोजन समिति जा रही है और बाबा महाकाल से आज्ञा लेकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद की आवश्यकता है और बिना महाकाल के, महाकालेश्वर महाराज के आशीर्वाद के ये कारण पूर्ण नहीं हो सकता। तो आज हमें बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा, शिप्रा मैया का आशीर्वाद कल हमने चुनरी चढ़ाकर उनको अर्पण करके लिया है। नगर निगम के कर्मचारियों ने आज निगम द्वार पर गेट मीटिंग की। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक गेट मीटिंग और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान कर्मचारी संगठन के सचिव ने बताया कि हमारी 10 सूत्री मांग है, जिनमें समयमान वेतन परमानेंट कर्मचारियों को दिया नहीं गया है वह सभी कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाए एवं परंपरागत नियुक्ति सहित 29 दिवस में कर्मचारियों को स्थायी किया जाना, 160 दिन वाले कर्मचारियों को परमानेंट करना, पुरानी पेंशन बहाली की मांग शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन हमारी मांग को मानता है, लेकिन उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जाता। जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक गेट पिटिंग सहित प्रदर्शन जारी रहेगा। निगम प्रशासन के साथ में हमारी कई प्रकार से बैठकें हो चुकी हैं, परंतु उन बैठकों में सभी मांगों को स्वीकृत कर लिया जाता है और मांगे स्वीकृत होने के पश्चात उन मांगों को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। इसी के क्रम में हमारी मांगों के समर्थन में आज हमने गेट मीटिंग चालू की है। निरंतर नैतिक धरना हम प्रदर्शन करते रहेंगे, उसके पश्चात यदि आवश्यकता लगी तो रामचंद्र जी कोरट साहब के नेतृत्व में यदि हमें आंदोलन की आवश्यकता लगी तो हमारी मांगों को लेकर हम आंदोलन भी करेंगे। माच गुरु सिद्धेश्वर सेन की पुण्यतिथि पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माच से जुड़े वरिष्ठ कलाकारों का सम्मान मालव सिद्ध अवार्ड देकर किया गया। इस दौरान माच और मालवा परंपरा से जुड़े काफी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। सिद्धेश्वर माच कला केंद्र के अनिकेत प्रेम कुमार सेन ने बताया कि माच गुरु सिद्धेश्वर सेन की पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मालव सिद्ध अवार्ड से वरिष्ठ माच कलाकार के साथ वरिष्ठ साहित्य कलाकार का सम्मान किया गया, जिनमें माच से जुड़े रतनलाल जी देवड़ा, खेमासा के दयाराम गोयल सहित वरिष्ठ साहित्यकार शैलेंद्र कुमार शर्मा का अवार्ड देकर सम्मान किया गया। माच घराने में चौथी पीढ़ी सेन परिवार की कार्य कर रही है, जहां बड़े बड़े कार्यक्रमों में मालवा की संस्कृति की प्रस्तुतियां दे चुके हैं। माच गुरु श्री सिद्धेश्वर जी सेन जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मालव सिद्ध अवार्ड से हम माच से जुड़े
वरिष्ठ कलाकारों का सम्मान करते हैं और उसी के साथ साथ वरिष्ठ साहित्यकारों का भी सम्मान करते हैं। इस साल भी हमने 2023 में मार्च से जुड़े वरिष्ठ कलाकार अपने रतन लाल जी देवड़ा और हिमाचा के हमारे दयाराम जी गोयल साहब और वरिष्ठ साहित्यकार श्री शैलेंद्र कुमार जी शर्मा जी का हमने सम्मान किया है। चामुंडा माता चौराहे पर आज यातायात व्यवस्था ध्वस्त दिखाई दी। दरअसल आज पशुपतिनाथ मंदिर से आज्ञा यात्रा की शुरुआत हुई थी, जहां यात्रा निकलने के बाद चौराहे पर ट्रैफिक जाम हो गया। यहां सिग्नल भी बंद होने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब 1 से 2 घंटे तक यातायात अव्यवस्थित रहा। बाद में पहुंचे ट्रैफिक और पुलिस के जवानों ने यातायात संभाला। गौरतलब है कि रविवार को भी स्मार्ट सिटी के सिग्नल बंद थे। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से रात के साथ ही दिन के तापमान में भी लगातार गिरावट आ रही है। बीती रात पारा 2 डिग्री और लुढ़ककर 6.0 डिग्री पर पहुंच गया। इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। इससे पहले 9 जनवरी को पारा 6.5 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन और कड़ाके की ठंड का असर रहेगा। बीती रात आसपास के गांवों में खेतों में बर्फ की चादर भी जम गई थी। किसान ने बताया कि अगर हवा चल जाती तो फसलों में काफी नुकसान हो सकता था। उत्तर की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी है। रविवार को दिन का तापमान 21.5 डिग्री दर्ज किया गया, इसमें 1 डिग्री गिरावट आई है। रात का तापमान भी 2 डिग्री कम हो गया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही मौसम भी सर्द होने लगा था। हालांकि बीच में हल्के बादल छाने से तापमान थोड़ा बढ़ गया था।